स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है, मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है ये अहम बैठक। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह बैठक में शामिल हैं, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, डेप्यूटी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद हैं। तो कौन कौन लोग इस अहम बैठक में शामिल हुए हैं उनके नाम हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, अहम खबर है, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक जारी है, मुख्यमंत्री आवास पर ये अहम बैठक हो रही है। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह बैठक में शामिल हुए हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बैठक में मौजूद हैं, और इसके साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस बैठक में मौजूद हैं, प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर है, अहम खबर है, चर्चा हो रही है, बातचीत चल रही है, रणनीति पर चर्चा हो रही है, रणनीति बनाई जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी कोर कमेटी की बैठक लगातार जारी है, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक हो रही है, बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह इस बैठक में शामिल हैं, केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा इस बैठक में शामिल हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, एक बार आप हमें तफसील से बताइए कि इस बैठक में क्या कुछ हो रहा है, आगे की चर्चा हो रही है क्या, आगे की रणनीति तय हो रही है क्या? बिल्कुल, अगर हम देखें तो लगातार बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। ये एक महीने के अंदर दूसरा मौका है जब बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे हैं। हालांकि आज उन्होंने बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, उसके बाद वो सीधे आरएसएस के लखनऊ मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने आरएसएस पदाधिकारियों के साथ एक लंबा मंथन किया। करीब ढाई घंटे तक उनकी यह बैठक चली, जिसके बाद वो सीधे वहां से बीजेपी कार्यालय पहुंचे और वहां से बीजेपी पदाधिकारियों और यूपी बीजेपी की कोर कमेटी के साथ वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हुए हैं, जहां पिछले करीब दो घंटा का समय हो चुका है, लगातार ये बैठक चल रही है। हालांकि जो अभी तक चीजें निकलकर सामने आई हैं कि ये एक बैठक होगी जिसमें लगातार उत्तर प्रदेश बीजेपी को लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर मंथन चल रहा है, जिसमें खास तौर पर अगर हम देखें तो 5 जुलाई को होने वाले 4 MLC के मनोनयन का एक मामला है, साथ ही साथ में अगर हम देखें तो 3 तारीख को यूपी में जो जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव होने हैं वो दूसरा एक मामला है। वहीं अगर हम तीसरी चीज देखें तो लगातार बीजेपी जिस तरीके से 2022 को लेकर जो रोड मैप तैयार कर रही है, जो कार्यक्रम तय कर रही है, उनको लेकर अब तक की क्या तैयारियां हैं, ये एक तीसरा विषय है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर लगातार मंथन का दौर चल रहा है। हालांकि यूपी बीजेपी की तरफ से एक सूची भी सरकार को सौंपी गई थी, जिसमें जो बीजेपी के ऐसे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से जुड़े रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं निगम और विभिन्न आयोगों में समायोजित करने की बात थी। हालांकि बीजेपी ने अगर हम देखें तो SC ST और OBC आयोग का गठन भी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेकर, चाहे वो सहयोगी दल हो, इन बहुत सारे मुद्दों को लेकर लगातार पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक चल रही है, इसके पहले अगर हम देखेंगे तो बीजेपी के पदाधिकारियों और आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, तो निश्चित है कि अब चीजों को फाइनलाइज करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ये बैठक चल रही है, जिसमें कोर कमेटी के सदस्य मौजूद हैं, तो निश्चित है कि अहम मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं अपनी अंतिम राय बनाने पर बीजेपी लगातार अपना चर्चा कर रही है। इसके वाजपेयी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर आपको और बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, 7 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 7 राष्ट्रीय मंत्रियों की घोषणा की गई है। यूपी की दर्शना सिंह को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई राष्ट्रीय महिला मोर्चा के पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, 7 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 7 राष्ट्रीय मंत्रियों की घोषणा की गई है। यूपी की दर्शना सिंह को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। और खबरों में आगे बढ़ो उससे पहले आपको बता दें, इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है, दवा लेने निकले छात्र पर कहर बनकर टूटी पुलिस, पहले पीटा फिर पैरों के बीच में दबाया, पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के खुरदही बाजार का ये मामला है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, दवा लेने निकले छात्र पर कहर बनकर टूटी पुलिस, पहले पीटा फिर पैरों के बीच में दबाया, पुलिस का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के खुरदही बाजार का ये मामला है। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ की, पहले आप तस्वीरें देखिए।
और नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा बातचीत करने के लिए। नीलेश, लखनऊ की ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी, क्या है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि लखनऊ की कमिश्नरेट में उसको मित्र पुलिस कहती है, उसके बावजूद भी अगर सुशांत दोलचिट्टी से इस तरीके का मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर खड़ा करता है। सुशांत दोलचिट्टी में एक छात्र अपने घर से दवाई लेने निकला था, लेकिन दवाई लेने निकला तो जरूर, और उसके बाद वो अब खुद की दवाई करा रहा है, क्योंकि वो दवाई इसलिए करा रहा है कि कुछ पुलिस वालों ने उनको जमकर पीटा है और अपने पैरों के बीच में दबाए रखा है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद इंस्पेक्टर सुशांत दोलचिट्टी ना तो फोन उठा रहे हैं, ना ही किसी मीडियाकर्मी का कोई रिप्लाई दे रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, अगर पुलिस जिसके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नागरिकों को खुद पीट रही है, वो इसलिए पीट रही है क्योंकि वो दवाई लेने निकला था, तो कहीं ना कहीं ऐसे पुलिसकर्मियों को जो है मानसिक डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ताकि ऐसे लोग अपना दिमाग ठीक कर ले, पुलिसकर्मी दिमाग ठीक कर ले, जिससे जनता को परेशानी ना हो। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, या फिर डीसीपी साउथ रवि कुमार इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि छात्र को पिटाई के बाद गंभीर चोटें आई हैं और छात्र अब खुद दवाई ले रहा है। नीलेश चौहान, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर पुलिस का मानवीय चेहरा यहां से भी सामने आया है। बीच सड़क पर घंटों तड़पता रहा घायल युवक, युवक को तड़पता देखती रही पुलिस से अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई, युवक ने तड़प तड़प कर दम तोड़ा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, रायबरेली से आ रही है। पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। बीच सड़क पर घंटों तड़पता रहा घायल युवक, युवक को तड़पता देखती रही पुलिस ने अस्पताल तक पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये रायबरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक युवक घंटों सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी मदद नहीं की, युवक ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, पुलिस ने अस्पताल तक पहुँचाने की जहमत नहीं उठाई। तो ये शख्स घंटों पड़ा रहा सड़क पर, और जो लोग हैं, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो लोग हैं आसपास से भी गुजर रहे हैं, लेकिन किसी ने इस शख्स की मदद नहीं की, युवक को तड़पता देखती रही पुलिस, और जो लोग आसपास के थे उन्होंने भी इस आदमी की मदद नहीं की। रायबरेली की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीच सड़क घंटों तड़पता रहा घायल युवक, और उसके बाद उसकी जान चली गई, किसी ने उसकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि पुलिस भी वहाँ पर खड़ी हुई थी जो कि तमाशा देखती रही, पुलिस की तरफ से भी कुछ नहीं किया गया, पुलिस ने अस्पताल तक पहुँचाने की जहमत नहीं उठाई। न्यूज़ वन इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं रायबरेली की, जहां पर एक शख्स तड़पता रहा घंटों सड़क पर, लेकिन उसकी किसी ने नहीं मदद की, जो लोग आसपास से गुजर रहे हैं उन्होंने भी रुककर उसकी मदद नहीं की, और पुलिस ने भी नहीं की। मैनपुरी से एक अहम खबर है, दलित प्रधान पर टूटा है दबंगों का कहर, दलित प्रधान का कुर्सी पर बैठना दबंगों को नागवार गुजरा है, दलित प्रधान ने लगाया पिटाई का आरोप, कुर्सी से उतारकर लात घूसों से की पिटाई, ये प्रधान की तरफ से कहा गया है। प्रधान ने थाने में तहरीर दी है, पुलिस से जांच कर कार्रवाई की बात कही है। तो बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, मैनपुरी से आ रही है, दलित प्रधान पर दबंगों का कहर टूटा है, दलित प्रधान का कुर्सी पर बैठना दबंगों को नागवार गुजरा। इस तरह की सूचना प्राप्त हुई है, अभी न्यूज़ मीडिया में मैं देख रहा था, तो इस संबंध में सवेरे ही हमने विस्तृत जांच के लिए आदेश दिया है और सीओ को भी बताया कि इस घटना में जांच कर लें, और साथ में संभवतः उसमें कुछ सरकारी लोग भी साथ प्रथम मीटिंग में रहे। देवेंद्र सिंह प्रधान है, ग्राम पंचायत मधुपुरी के कुर्सी पर बैठे हुए थे, और जो सदस्य लोग नीचे बैठे थे, चार पांच लोग आए जो बैठे थे, प्रधान कुर्सी पर क्यों बैठा है, नीचे क्यों नहीं बैठा है, और एकदम लपट गए कट्टे लेके, मेरे ऊपर गोली मारने की कोशिश की, हमें बीच में लक्ष्मी देवी आ गई, इन्होंने जो है बीच में कट्टा छीन लिया, फिर इनके लात घूसे मारा, इनकी ब्लाउज फाड़ दी। जात क्यों लेकर कुर्सी पर ना बैठने के लिए बात की थी? जी हाँ, जात के हम साहब कमा लेंगे। अलीगढ़ से एक खबर आ रही है, धड़ल्ले से बिक रहे मादक पदार्थ चरस गांजा की बिक्री का वीडियो वायरल हुआ है, स्थानीय लोगों ने दबंग महिला पर लगाया बिक्री का आरोप, सहयोगियों संग मादक पदार्थ बेचती है महिला, स्थानीयों की तरफ से कहा गया है, शिकायत करने पर रेप का आरोप लगाती है महिला,
स्थानीय पुलिस स्थानीय की तरफ से कहा गया और पुलिस की मिलीभगत से हो रही मादक पदार्थ की बिक्री, स्थानीय लोगों ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत की है। सीओ सिविल लाइन ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। रेहाना खुर्शीद की पत्नी और उसकी बेटी है, अगर कोई लड़का बोलता है वादी का तो उस पर 76 का वो लगा देती है एग्जाम, 376 का 376 कैसी हो। अच्छा अब वो जाके थाने में कंप्लेंट करती है तो थाने वाले ये नहीं करते तो इस बात की इनकारी करे कि बात झूठ है कि सच है, जाए तो उस बात का अमल कर लेते हैं। तो अलीगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, शिकायत करने पर रेप का आरोप लगाती है महिला, धड़ल्ले से बिक रहे हैं मादक पदार्थ और चरस गांजा की बिक्री का वीडियो वायरल हुआ है। स्थानीय लोगों ने दबंग महिला पर बिक्री का आरोप लगाया है। सहयोगियों संग मादक पदार्थ बेचती है महिला, ये जो वहां के लोग हैं स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से ये बात कही गई है। शिकायत करने पर रेप का आरोप लगाती है ये महिला, ये स्थानीय लोगों की तरफ से कहा गया है। पुलिस की मिली भगत से हो रही है मादक पदार्थ की बिक्री और जो वहाँ के लोग हैं जो वहाँ के आसपास के लोग हैं उन्होंने एसएसपी ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। सीओ सिविल लाइन ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं अलीगढ़ की। तो अलीगढ़ की खबर हम आपको बता रहे हैं, चरस गांजा की बिक्री का वीडियो वायरल हुआ है। सीओ सिविल लाइन ने फिलहाल जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नोएडा से एक खबर आ रही है, 5 ठगों को पुलिस से दबोचा है। राम जन्मभूमि के नाम पर करते थे ठगी, फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने का आरोप है। मंदिर के नाम पर लाखों का चंदा वसूला गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नोएडा से 5 ठगों को पुलिस ने दबोच लिया है। राम जन्मभूमि के नाम पर करते थे ठगी, फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने का आरोप है। मंदिर के नाम पर लाखों का चंदा वसूला गया है। तो नोएडा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 ठगों को पुलिस ने दबोचा है। राम जन्मभूमि के नाम पर ठगी करते थे, फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने का आरोप है। मंदिर के नाम पर लाखों का चंदा वसूला गया है। नोएडा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 5 ठगों को पुलिस ने दबोचा है। राम जन्मभूमि के नाम पर करते थे ठगी, फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने का आरोप है। मंदिर के नाम पर लाखों का चंदा वसूला गया है। नोएडा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, 5 ठगों को पुलिस ने दबोचा है, गिरफ्तार किया है। राम जन्मभूमि के नाम पर ठगी किया करते थे ये 5ों लोग और फर्जी वेबसाइट बनाई थी इन लोगों ने और उसी के जरिए मंदिर के नाम पर लाखों का चंदा भी इन लोगों ने लोगों से लिया है। बड़ी खबर है, अहम खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं, नोएडा से आ रही है, 5 ठगों को पुलिस ने दबोचा है। निशांत शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, तफसील से बताइए क्या कुछ है पूरी जानकारी। देखिए राम नाम पर, जो राम का नाम है और जो जन्मभूमि है अयोध्या, उसके नाम पर फर्जी तरीके से एक वेबसाइट बनाकर 5 जो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर सेल ने ये गिरफ्तारी की है और अयोध्या मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे थे और काफी लाखों रुपए का ये चंदा अपने अकाउंट में फर्जी तरीके से अकाउंट खुलवाकर पर एक फर्जी वेबसाइट बनाकर ये लगातार धोखाधड़ी कर रहे थे। इसी को लेकर अयोध्या में एक मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद में साइबर जो सेल टीम है जो उत्तर प्रदेश की नोएडा में इसका कार्यालय, तो नोएडा साइबर सेल ने इसकी गिरफ्तारी की है। 5ों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से ठगी जो करते थे 5 मोबाइल इनके पास से बरामद हुए, एक लैपटॉप बरामद हुआ है, सिम कार्ड बरामद हुए हैं, आधार कार्ड की छाया प्रति बरामद हुई है और थंब इंप्रेशन मशीन बरामद हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता है, जिस तरीके से राम भगवान के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ये ठगी कर रहे थे और साइबर सेल को कामयाबी हाथ लगी है, 5ों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा ब्यूरो चीफ निशांत हमारे बता रहे थे कि क्या कुछ पूरी कहानी। बहुत शुक्रिया निशांत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा है कि किसानों की उपज की खरीद की गारंटी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि प्रदेश के तमाम जिलों से सूचनाएं आ रही हैं कि गेहूं की खरीद में किसानों को परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी और महंगाई के चलते किसानों की हालत पहले से ही खराब है, ऐसे में उनकी फसल की खरीद ना हो पाने जैसे हालात किसानों की कमर तोड़ देगी। प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि क्रय केंद्रों पर 15 जुलाई तक किसानों के गेहूं की खरीद की गारंटी दी जाए। और यूपी के काला नमक चावल को मिली नई पहचान, अब ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा काला नमक चावल, और अब फ्लिपकार्ट से दुनिया भर में खरीदा जाएगा चावल। बिक्री के लिए सिद्धार्थनगर से 250 किलो की पहली खेप रवाना हुई है। ACSMSME नवनीत सहगल ने वर्चुअल दिखाई हरी झंडी। तो यूपी के काला नमक चावल को नई पहचान मिली है, अब ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा काला नमक चावल। फ्लिपकार्ट से दुनिया भर में खरीदा जाएगा ये चावल। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के चमरौआ के नेशनल इंटर कॉलेज में जान है तो जहान है वैक्सीनेशन कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर के बूथों पर फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत की है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहा है। पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके चलते कोरोना की मारक क्षमता कम हुई है और कोरोना खत्म होने के रास्ते पर जा रहा है। उन्होंने कहा टीके से अदावत कोरोना को दावत है। योग दुनिया के लोगों की सेहत का एक मेड इन इंडिया। लखनऊ से खबर है, UPSSSC कार्यालय पर धरना प्रदर्शन, जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साल 2016 और 18 में निकाले गए विज्ञापन, अब तक नहीं हुई परीक्षा। साल 2016 और 18 की परीक्षा कराए जाने को लेकर प्रदर्शन किया गया है। जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों का आरोप है आवेदन लेकर भर्ती परीक्षा कराना भूला आयोग, ये अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया है। और डिप्लोमा महासंघ के अध्यक्ष ने भी परीक्षा को लेकर सीएम को एक पत्र लिखा है। 2016 में 489 और 2018 में 1477 पदों पर निकाली गई थी भर्तियां। आवेदन करने के बाद परीक्षा ना होने से जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों में रोष है। परीक्षा की तारीख की घोषणा को लेकर अभ्यर्थियों ने राज्यपाल को भी एक पत्र लिखा है। एग्जाम डेट दो या इच्छा मृत्यु दो। एग्जाम डेट दो या इच्छा मृत्यु दो। तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। लखनऊ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी भर्ती को लेकर प्रदर्शन किया गया है। 2016 और 18 में विज्ञापन निकाले गए थे जिनकी परीक्षाएं अभी तक नहीं हुई हैं, और साल 2016 और 18 की परीक्षा कराए जाने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अश्वनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अश्वनी, क्या कुछ पूरी जानकारी एक बार तफसील से बताइए। अश्वनी, सुन पा रहे हैं आप हमें? आवाज शायद नहीं पहुंच रही है, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थी भर्ती को लेकर प्रदर्शन है। साल 2016-18 में विज्ञापन निकाले गए थे ऐसा कहना है इन लोगों का, और अब तक परीक्षा नहीं हुई है। 16 और 18 की परीक्षाएं कराए जाने को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों का आरोप है।
और लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, डॉक्टर्स की लापरवाही से गई है गर्भवती की जान। डॉक्टरों पर गर्भवती को भर्ती न कराने का आरोप है। गाजियाबाद के देवी चंद्र MMG अस्पताल पर आरोप है। अस्पताल के गेट पर तड़प तड़प कर महिला ने दम तोड़ा है। गाजियाबाद पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप है। मदद की आस लिए CM आवास पहुंचा पीड़ित पति, और लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, लखनऊ से आ रही है। डॉक्टर्स की लापरवाही से एक गर्भवती की जान गई है। डॉक्टर्स पर गर्भवती को भर्ती ना करने का आरोप है। गाजियाबाद के देवी चंद्र MMG पर ये आरोप लग रहे हैं। अस्पताल के गेट पर तड़प तड़प कर महिला ने अपना दम तोड़ दिया। गाजियाबाद पुलिस पर भी कार्रवाई ना करने का आरोप लग रहा है। मदद की आस लिए CM आवास पहुंचा पीड़ित पति, लखनऊ पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और बागपत दौरे पर रहे ADG मेरठ राजीव सभरवाल, ADG ने दरोगाओं से पिस्टल खुलवा कर देखी और ADG के सामने पिस्टल नहीं खोल पाई महिला दरोगा। 12 सेकंड में ADG ने पिस्टल खोलने का दिया था अल्टीमेटम। बागपत के कई थानों का ADG ने किया है निरीक्षण। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बरेली से खबर है, संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव। युवक की मौत से घर में मचा कोहराम। घर में अकेला कमाने वाला था मृतक अमन। पिता की मौत के बाद अकेला कमाने वाला था मृतक। लॉकडाउन की वजह से छूट गई थी नौकरी। नमकीन की फैक्ट्री में काम करता था मृतक। तो ये बुरी खबर है बरेली से, जो हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। घर में फंदे से लटका मिला युवक का शव। युवक की मौत से घर में मचा कोहराम। घर में अकेला कमाने वाला था मृतक अमन। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।